बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सब आपने हमको बताया। अब से आप बेफिक्र रहिए। क्या बना रखा है? अब पान खाना भी शुरू कर दिया क्या? सिगरेट, शराब, पान, कुछ करना छोड़ा है तुमने बाकी? हेलो श्वेता। हाँ मैं ठीक हूँ। पता है आज क्या हुआ? मेरे पापा। हेलो हेलो। मेरे पापा अच्छे से हैं और आराम से सो रहे हैं। नहीं डेस्मिन, पापा जेल में हैं। फिर ये बात बताने का क्या जरूरत है अपना फ्रेंड लोग को? जेल जाना अच्छी बात नहीं है। नहीं डेस्मिन, तुमको मालूम नहीं है, हर महान आदमी जेल जाता है, जैसे गांधी जी, नेहरू जी और भगत सिंह जी। हाँ, जेल जाना बहुत अच्छी बात होती है और सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पापा जेल गए हैं। पर बाबा ये टाइम वैसा नहीं है, आजकल तो सब गुंडा लोग जेल चला जाता है। तुम समझते क्यों नहीं, मेरी किसी भी फ्रेंड के पापा अभी तक जेल नहीं गए हैं। जब मैं बात सबको बताऊंगी तो मेरे ग्रुप में सब कहेंगे वाह मैन दैट्स कूल, मेरी इज्जत बढ़ेगी डेस्मिन। लेकिन तेरे पापा का इज्जत घटेगा। अरे कैसा बेटी हो तुम, अपने पापा को जेल भिजवा के पार्टी मनाता है? दैट्स अ गुड आइडिया, मैं पार्टी करती हूँ और सबको बताऊंगी। यू नो डेस्मिन, मेरा फ्रेंड कितने जलेंगे मुझसे। क्या कर रहे हो? वो लॉकअप में है। पापा ने क्या किया होगा संजय? क्राइम। मेरे पापा कहते हैं क्राइम करने के बाद सबको जेल जाना पड़ता है। और क्राइम करने के पहले क्या करना चाहिए? हाँ, बियर पीनी चाहिए, इसीलिए तो मैं बियर नहीं पीता हूँ, जेल जाना पड़ता है। रामू दादा हमें माफ कर दो, हम आगे से कभी बियर नहीं पीएंगे। प्लीज बच्चों के सामने कुछ मत कहना। पापा, पापा आपने क्राइम किया है ना? है? नहीं बेटा वो तो हाँ बेटा, आपके पापा ने क्राइम किया है इसीलिए वो जेल गए थे। देखा ना, मैंने करेक्ट बोला था ना। अंकल, क्राइम करने के पहले बियर पीना जरूरी होता है? नहीं बेटा, नॉट नेसेसरी। ईश्वर, तुमसे ये सब किसने कहा? ठीक ही तो कह रहा है वो भाई साहब। प्लीज माया, नॉट इन फ्रंट ऑफ द किड्स। व्हाई? उन्हें भी तो पता होना चाहिए सही क्या है गलत क्या है, हम ही से तो सीखेंगे वो सब। नहीं, मुझे पता है सही क्या है और गलत क्या है। पहले जेल जाना सही होता था पर अब गलत है। बिल्कुल ठीक। संजू, तुम क्यों नहीं करते ऐसी बातें? अरे मम्मी, मैंने तो इसे बताया। देखा राज, बच्चे भी समझते हैं और तुम? हाँ ठीक है, मैं तो हूं ही ना समझ। तुम लोगों के लिए तो हमेशा आदमी गलत होता है। आई एम ग्लैड यू रियलाइज इट। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपनी छुट्टियां बुरी संगत में बिताएं। तो हम भी तो यही चाहते हैं। तो डिसाइड हो गया ना, आज से ना तो संजू तुम लोगों के साथ जाएगा और ना ही जाए। माया, ईश्वर, enough is enough. चलो बेटा, come on. Oh, papa, आप actually jail गए थे? I don't believe it. You went when no other father has been before, papa. I love you, papa. बेटा, मैं भी तो jail गया था। अरे congratulations, uncle. तुम्हें हैंगओवर नहीं है? पीगा तो आप पी लो। तुम नाराज होती हो तो और भी सुंदर दिखती हो।
अच्छा ये तो बताओ सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चली? मैं जय के साथ जा रही हूँ। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। प्लीज राज, तुम एक बार प्रूव कर चुके हो बच्चे तुमसे क्या सीख सकते हैं। आई डोंट वांट दैट। जय तुम्हारे साथ कम घूमे यही उसके लिए अच्छा है। लेकिन मैं बाप हूँ उसका। यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारी संगत में रहेगा बिगड़ जाएगा, गंदी गंदी बातें सीखेगा। वैसे सारी गलती तो मेरी है, मम्मी के कहने पे शादी कर ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। खैर अब क्या फायदा इन बातों का। चलो संजू देर हो रही है बेटा। चलो बेटा देर हो गई है। हाँ जाओ जाओ सिखा दो उसे सब अच्छी बातें। पर जा कहाँ रही हो ये तो बता दो। कुकिंग क्लास। कुकिंग क्लास? भगवान राम सिंह एक बियर लाओ, मतलब चाय लाओ यार। He loves me not. अरे बीवी ये क्या कचरा फैला रहा है? टेस्मिन ये सब तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। He loves me not. मेरे को सब मालूम है, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। सच? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? मेरे को बोला वो। कब? कल घर के बाहर। Really? Oh my God, Desmond, I love you for telling me he loves me. Thank you, baby, पर जरा संभाल के लव करना। Don't worry, Desmond. क्या ना वो थोड़ा दिमाग से पैदल है, तुम उसको कुछ भी बोल दोगे ना वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। मतलब? अब देखो ना कल तुम्हारे पीछे वो जहर खा कर रहा था। कौन? डोडो। ओह गॉड डेस्मिंड, मैं डोडो की बात नहीं कर रही थी। फिर? HSS, मैं चाहती हूँ कि HSS मुझसे प्यार करे। पर क्यों? डोडो है ना? डोडो है, डोडो मुझे चाहता है, लेकिन मैं HSS को चाहती हूँ। देखो बेबी ये लड़का लोग है कोई भाजी नहीं है। ओफो, वैसे भी डोडो ने मुझे बेवकूफ बनाया और तुम्हें भी। कल वो जहर नहीं था, वो कोल्ड ड्रिंक था। अरे मैं बोतल देखा वो। डेस्मिंड उसने तुम्हें भी उल्लू बनाया। वो कोल्ड ड्रिंक था। क्या उसने मुझे उल्लू बनाया? डेस्मिंड को उल्लू बनाया? अभी देखता है उसको। लुका पट्टा डेस्मिंड को बेवकूफ बनाता है। हेलो हाय पिया। लुका फोन है। हेलो डोडो बेटा। डेस्मिंड जी पिया कहाँ है? बेटा पिया तो जहर खा के मर गया। No, अब मैं क्या करूं? तुम भी वही करने का है। पर मेरे पास खाने वाला नहीं पीने वाला जहर है। कहता है मेरे पास खाने वाला नहीं पीने वाला जहर है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, स्विमिंग से भी अच्छी है। मम्मी लोग हर वक्त अच्छी जगह पे ही लेके चलती हैं। अच्छा मैं पापा के साथ नहीं गया, पर हम लोग यहाँ सीखेंगे क्या? I don't know. मैंने इतने छोटे बच्चे कभी रखे नहीं है। पर लूबना ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। They're boys. अच्छा है ना, आपके क्लास में वेरिएशन आ जाएगी। You mean variety? हाँ, same, different. यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ हैं। मुझे मालूम है मुझे शर्म आएगी। बेटा ये लूबना आंटी हैं। हेलो हेलो हेलो। अब तुम लोग इनके साथ जाओ, ये तुम्हें कुछ सिखाएंगी। क्या? एथिकेट। वो क्या होता है? देखा माया, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया। प्लीज लूबना, अब जय संजय तुम लोग गुड बॉयज बनना चाहते हो ना? हाँ, वेल मैनर्ड कल्चर्ड। तो ये सब आपको लूबना आंटी सिखाएंगी। प्लीज उन्हें परेशान मत करना एंड ट्राई एंड लर्न समथिंग। ओके। तेरा तो खून खोल रहा है यार, मतलब हम इस लायक भी नहीं रहे कि अपने बच्चों को संभाल सकें? ये सिर्फ हमें नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि अपनी बीवी को अरेस्ट करवा दूं। अरे कुकिंग क्लास में बच्चे क्या सीखेंगे? जहां सुमेधा को खुद जाना चाहिए बच्चों को ले गई। अरे मर्दों को रसोई में घुसा दोगे तो वो क्या बनेंगे? अचार पापड़ मुरब्बे कुछ भी बनेंगे, मर्द नहीं। ये मर्द जात की इज्जत का सवाल है। जंग छेड़ दी है इन औरतों ने।
हाँ यार, बच्चों पर हमारा भी उतना ही हक है। तू ठहर वहां, मैं भी रहता हूँ। ओके, ठीक है। क्या हुआ? चल इस तरह जाते हैं। अरे भाई वाह, ये कौन है? कालीचरण, स्वीट है ना? बहुत स्वीट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हरवीर सिंह सर्दी ने दिया है मुझे। मम्मी तो इसे ऐसा डरती है जैसे कोई सांप हो। तुम्हारी मम्मी डरती भी है? हाँ, और सुमिधांडी भी। अच्छा हाँ, तुम्हें मालूम है बेटा कि मम्मी जय को कहाँ लेकर गई है? हाँ, वो लुबना दास के एटिकेट क्लास में है। एटिकेट क्लास? हाँ, वहाँ पे लड़कियों को टेबल मैनर्स, बातचीत वगैरह सिखाते हैं ना। तो वहाँ क्यों लेकर गई है? पता नहीं क्यों, लेकिन इतना पता है कि वहाँ पे वो लड़कियाँ जाती है जिनकी शादी होने वाली होती है ना। Shalini, a bright smile, please. That's better. Madhu, that's too bright. Lesser. Correct. Mummy, ये लोग ऐसे क्यों हंस रही हैं? बेटा, because it's polite to smile like this. And now, we shall all sit down. Now, if you're at a tea party, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग चाय में चीनी ऐसे मिलाते हैं। Now, this is wrong. चाय में चीनी ऐसे मिलानी चाहिए कि किसी को पता न चले। अब मुझे यहाँ क्यों लाई है? यहाँ तो आपको पापा को लाना चाहिए था। लाल 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 ली लू 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 ला लो 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 लो। ये लो बेटा। ये क्या है? करेले का जूस। क्या? अरे तुमने तो बताया था नेचुरल फूड बनाओ, इसलिए मैं बनाया करेले का जूस, बैंगन का सूप और मेन कोर्स में कच्चा टिंडा। डेजमंड, यू आर मैड। पहले नहीं था, ये घर में आने के बाद हो गया। और बेबी, तुम भी मैड हो रहा है, इसलिए कहता है ये नेचुरल फूड खाएगा तो दिमाग ठिकाने आएगा। तब तो तुम्हें ये जूस मम्मी और पापा को देना चाहिए, मुझे लगता है वो लोग पागल है। सब पागल यही कहते हैं कि उनके अलावा सारी दुनिया पागल है। लेकिन देखो ना डेसमंड, मम्मी जय को एटिकेट क्लास ले गई जहाँ लड़कियाँ जाती है। क्यों? मैंने सिखाने को, वहाँ सब शादी से पहले सीखना चाहिए। अब शादी के बाद भूलना चाहिए। तुम बच्चा लोग भी ना एक। अरे डेसमंड, आजकल ऐसा ही होता है। पता है मेरी एक सीनियर फ्रेंड है रीमा, उसकी शादी सेकंड ईयर में ही हो गई। लड़का इंजीनियर और अमेरिका में, और उसने भी एटिकेट क्लास ज्वाइन किया था। अच्छा, तो तुम्हारा मम्मी सचमुच पागल है। अरे उसने तुमको भेजना चाहिए था ना क्लास में, जय बाबा का तो बहुत मैनर्स है। वही तो मैं सोच रही हूँ, और वैसे भी अभी जय की शादी होने नहीं वाली। डेसमंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ये चाहती हो कि मेरी शादी ही ना हो? इसीलिए तो कहता हूँ ये करेले का जूस पियो। अरे देखो, हमारा गांव में एक छोकरी था, उसका शादी ही नहीं बन रहा था। 3 महीना तक उसको ये करेले का जूस पिलाया तो उसका फॉरन से शादी हो गया, फॉरेनर के साथ, फॉरन में। अच्छा डेसमंड, क्या मम्मी ने भी ये शादी के पहले पिया होगा? मम्मी का तो नहीं मालूम, लेकिन पापा ने जरूर पिया होगा। ईश्वर, तुझे लग रहा है हम लोग ठीक कर रहे हैं? तू भी अजीब है, हमारे बच्चे वहां कैदी हैं, उनको छुड़ाना हमारा फर्ज है, और तू पूछ रहा है कि हम ठीक कर रहे हैं? वो तो ठीक है, पर अगर इससे कुछ और प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो देख। अरे यार, होती है तो हो जाए, हद होती है। कुछ कुमारी लड़कियों के बीच में बेचारे दो लड़के एटिकेट सीख रहे, वो भी इस उम्र में।
अरे उनके बापों ने नहीं सीखा तो वो क्या सीखेंगे, चल छुड़ा के लाते उनको। मैं नहीं जा रहा। चलना है यार, तू क्यों घबराता है राज? देख ईश्वर, जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के। बीवियां वैसे ही भड़की हुई हैं। अरे भड़की हुई हैं तो लेट देम गो टू हेल यार। अरे हमसे लड़े यार, बच्चों का जीवन क्यों तबाह कर रही हैं? अरे देख कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, फुटबॉल खेलने का टाइम है और बच्चे एक कमरे में सड़ रहे हैं। क्यों? एटिकेट सीख रहे हैं। अरे क्यों सीख रहे हैं यार? अरे शोशे है ना औरतों के एटिकेट, पूछ लो तो स्पेलिंग नहीं पता होगी उनको। और क्या यार राज, स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आते एटिकेट की। E-T-I-Q-U-E-T-T-E, etiquette. Excellent. My, your son is very bright. यहाँ पर ज्यादातर आने वाली लड़कियों के तो स्पेलिंग भी नहीं आती है. Very good, son. Join the students. वहाँ जाके बैठ जाओ. जा जा, तू भी जा. मम्मी, मुझे शर्म आती है. अरे जब जय को शर्म नहीं आती तो तुझे क्यों शर्म आती? तू लड़की है क्या? सुमेधा, उसे ऐसे मत डांटो, उस पे बुरा असर पड़ेगा। He'll get a complex. Manners are fun, huh? अगर कोई आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे तो उसे स्लोली स्लोली सिप कीजिए, जिससे कि आप लालची ना लगे। And you can even talk at the same time. Hello. Hello. How are you? How are you? Oh, it's such a pleasure meeting you. मैम, हम लोग ग्लास के साथ एक और चीज भी कर सकते हैं। क्या? जो हमारे पापा करते हैं। Cheers. Oh. अरे कपड़े खराब कर दिए भोंदू। जय, कोई बात नहीं। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? मम्मी ने भोंदू का। लूबना, मैं भी बोरो सम क्लोथ्स। शायद स्टिचिंग क्लास में कुछ मिल जाए। ओके थैंक्स, चलो। चल के देखते तो है ना क्या कर रहे हैं वो लोग। देखिए जो कुछ भी हो जाए माया को नहीं पता चलना चाहिए। चिंता मत कर, बिल्कुल सीक्रेटली लेके जाऊंगा तेरे को मैं। आ जा। जो बोला था संजू, तू क्यों रो रहा है? मुझे मम्मी ने भोंदू की ना। कोई बात, चुप हो जाना, कुछ नहीं होता है। मेरे कपड़े भी गीले हो गए। चुप हो जाना प्लीज। बेटा, तुम्हारे नए कपड़े यहाँ तो यही कपड़े मिलेंगे, but they're cute. Hello, I am Jaya. I am For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.